वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख मत दियां महान परंपरावां के सिख पंथ इतिहास पढ़ता भी आ ते इतिहास नूं नवां नरोआ भी करदा जांदा। ये शताब्दियां जिहड़ियां इस करके मनाईआं जांदियां कि अपने जिहड़े पूर्वले आ उन्होंने किदां किदां औखे समें दे विच इन्हां मुसीबतां दे विच भी सिखी नूं पालिया। तो अज के अजोके युग के भी बहुत सारे वीर इस इतिहास तो सीध लैके सिखी नूं पालदे। सो उन्हां दी 150 साल शताब्दी जिहड़ी आ सिंघ सभा की वह अज इत्थे मनाई गई आ। ये मनाउण दा जिहड़ा हीसा सी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस करके भी किया गया क्योंकि हर एक गुरमत की कोई भी जिहड़ी चाहे गुरद्वारा सुधार लहर सी चाहे एजुकेशन के अदारियां दी गल सी ये सारयां दी शुरुआत वह महान साडे बजुर्गां ने जिहड़े पढ़े लिखे ते विद्वान सीगे उन्हीं शुरुआत की आ। सो अज समुचे पंथ ने इकट्ठे हो के उन्हां दी 150 साल जिहड़ी शताब्दी पवित्र सिधांतां दी उहदे लई विच शुरुआत करके पमाए चलनी गांह भी आ केंद्रीय सिंघ सभा ने भी मनाउणी आ। पर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये पिछले दिनों से ऐलान करता से कि शताब्दी असीं अपने तौर पर भी मनावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे सिंह सभा लहर जो कि उस वक्त ईसाइयत के वाधे प्रभाव देखद्या होया उस वक्त के गुरमुख प्यारिया ने बहुत वड्डी सोच सोच के सिंह सभा लहर की कमता श्री अकाल तख्त साहब जी को अरदास करके वक्त लैके की सी और उस वक्त के बाद ईसाई के प्रभाव में उस वक्त प्यारिया ने बहुत शिक्षा के नाल पहरा दिया होया रोकण का यत्न किया सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया और अज उस फलस्वरूप देशों विदेशों के सिंह सभा के नाम से बेअंत गुरुद्वारे साहबान जोड़े ने वो सुशोभित ने। अज सिंह सभा का 150 साल का स्थापना दिहाड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत चढ़ती कला में मनाया गया बहुत वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सिख मत दियां महान परंपरावां कि सिख पंथ इतिहास पढ़ता भी आ ते इतिहास नूं नवां नरोआ भी करता जांदा। ये शताब्दियां जिहड़ियां इस करके मनाईआं जांदियां कि अपने जिहड़े पूर्वले आ उन्होंने किदां किदां औखे समें दे विच इन्हां मुसीबतां दे विच भी सिखी नूं पालिया। तो अज दे अजोके युग दे विच भी बहुत सारे वीर इस इतिहास तों सीध लैके सिखी नूं पालदे। सो उन्हां दी 150 साल शताब्दी जिहड़ी आ सिंघ सभा की वह अज इत्थे मनाई गई आ। ये मनाउण दा जिहड़ा हीसा सी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस करके भी किया गया क्योंकि हर एक गुरमत की कोई भी जिहड़ी चाहे गुरद्वारा सुधार लहर सी चाहे एजुकेशन के अदारियां की गल सी ये सारयां दी शुरुआत वह महान साडे बजुर्गां ने जिहड़े पढ़े लिखे ते विद्वान सीगे उन्हीं शुरुआत की आ। सो अज समुचे पंथ ने इकट्ठे हो के उन्हां दी 150 साल जिहड़ी शताब्दी पवित्र सिधांतां दी उहदे लई विच शुरुआत करके पमाए चलनी गांह भी आ केंद्रीय सिंघ सभा ने भी मनाउणी आ। पर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये पिछले दिनों से ऐलान करता से कि शताब्दी असीं अपने तौर पर भी मनावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज सचखंड श्री हरिमंदर साहिब गुरद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे सिंह सभा लहर जो कि उस वक्त ईसाइयत के वाधे प्रभाव देखद्या होया उस वक्त के गुरमुख प्यारिया ने बहुत वड्डी सोच सोच के सिंह सभा लहर की कमता श्री अकाल तख्त साहब जी को अरदास करके वक्त लैके सी और उस वक्त के बाद ईसाई के प्रभाव में उस वक्त प्यारिया ने बहुत शिक्षा के नाल पहरा दिया होया रोकण का यत्न किया सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया और अज उस फलस्वरूप देशों विदेशों के सिंह सभा के नाम से बेअंत गुरुद्वारे साहबान जोड़े ने वो सुशोभित ने। अज सिंह सभा का 150 साल का स्थापना दिहाड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत चढ़ती कला में मनाया गया बहुत